शंकर भगवान की, सरस्वती माता की, कार्तिक कृष्णार्चन महामहोत्सव की, वन विहारी लाल की, सदगुरुदेव भगवान की, महाकालेश्वर भगवान की, काशी विश्वनाथ की, श्रीशैलम महादेव की, द्वादश ज्योतिर्लिंग महादेव की। वैदिक सनातन परंपरा में, वैदिक सनातन आलोक में अनेक देवी देवता, अनेक सनातनियों के आस्था को आंदोलित करने के लिए अनेकानेक देवी देवताओं का बृहद चित्रण, बृहद स्वरूप से अनेक अनेक ग्रंथों में विस्तृत रूप से उनके बारे में बतलाया गया है। शास्त्रों में अनेकानेक भिन्न भिन्न रूपों से उन समस्त देवी देवताओं की विनियोग, ध्यान, षडन्यास इत्यादि बहुत सारा योग, प्रयोग, ध्यान, धारणा इत्यादि का समावेश किया गया है। किसी की आस्था कृष्ण में है, किसी की आस्था दुर्गा में है, किसी की आस्था शिव में है, किसी की आस्था काली में है, किसी की आस्था ब्रह्मा में है, शिव जी में है, राम जी में है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना है उस भावना के अनुसार अपने अपने इष्ट देवता को मनाते हैं, पूजते हैं, करते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से कृष्णोपासक हूँ। कृष्ण मंत्र की दीक्षा गुरुदेव के द्वारा हम सबको मिली हुई है। पर एक बात, एक संदेश कहूँ, शिव का जो चरित्र है, शिव की जो विशिष्ट व्यक्तित्व है, संपूर्ण शिव का जो दर्शन है वो अद्भुत है। सर्वप्रथम तो शंकर जी आशुतोष हैं, आशुतोष तुम अवगढ़ दानी, शीघ्र प्रसन्न होने वाले देव हैं, तुरंत ही प्रसन्न हो जाते हैं। उनकी प्रसन्नता का साधन क्या है? एक लोटा जल। आह, और वो जल भी कहाँ से? कहीं से भी, गंगा का हो, नल का हो, बिस्लरी का, ऐसा कोई नहीं कि शुद्ध जल ही चाहिए। कहीं का भी जल, एक लोटा जल ले लीजिए और भगवान के मस्तक पे उड़ेल दीजिए, शिव शंकर प्रसन्न। शिव का नाम भोले क्यों है? क्योंकि वे अपनी पूजा के लिए, अपनी साधना के लिए बहुत प्रकार का उपक्रम, बहुत कोई विशिष्ट पद्धति, कोई विशेष विनियोग, कोई बहुत बड़ा ऐसा कुछ नहीं। उनमें लौकिक भाषा में कहूँ ना, कोई बहुत ज़्यादा उनके लिए तामझाम नहीं है, झंझट नहीं है। संसार का जितना दूषण है, संसार का जितना भी दूषण है, वह समस्त दूषण शंकर जी का आभूषण है। संसार का समस्त दूषण शंकर जी का आभूषण है। कैसे? बिलपत्र, भांग, धतूर, मदार, अकवन, इन समस्त का जो भी उपयोग है, प्रयोग है, आप देखिए, ये सब अनुपयोगी चीज है हमारे और आपके लिए। कोई भांग पी नहीं सकता, कोई अकवन का पत्ता छू नहीं सकता, कोई भी, कोई जो धतूरे को स्पर्श नहीं कर सकता। ये समस्त जो संसार के लिए अनुपयोगी हैं, उपयोगी नहीं हैं, वे पत्र, वे पुष्प शंकर जी के लिए उपयोगी हैं। क्यों? क्योंकि शंकर जी ने सोचा होगा कि मेरे भक्त के पास काजू, किशमिश, बादाम कहाँ से मिलेगा, काजू की बर्फी कहाँ से मिलेगा, इसलिए जो फ्री का चीज़ है, निःशुल्क सेवा जो है, उसी से हमारी पूजा होगी। इसलिए मदार देखो, जहाँ नहीं उगना चाहिए वहीं पर उगता है, उसके लिए कोई खाद औषधि की आवश्यकता नहीं है, कोई आपको उसको निराई सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं है।
इसलिए उनका ना भक्तों के ऊपर करुणा करने के लिए इतने आतुर रहते हैं, इतने व्याकुल रहते हैं कि कब मैं भक्त के ऊपर कृपा कर दूं। भस्मासुर वाली कहानी आपको मालूम होगी, कथा आप सबको मालूम होगी। वरदान स्वयं शंकर जी दिए और स्वयं शंकर जी पर ही आजमाने लगा, पहले आप ही से प्रयास करते हैं, आइए आइए पहले आप ही के ऊपर मस्तक के ऊपर हाथ रखते हैं, देखते हैं गर्म हो रहा है कि नहीं, भस्म हो रहे हैं। शंकर जी भागने लगे, ये देखो इतने इतना बड़ा भोला कौन होगा जी, हाथ रखो भस्म हो जाए। और चेला कह रहा है आइए आइए पहले आप ही से शुरू करते हैं, गजब हाल है। इसलिए उनका नाम क्या है, भोला भंडारी। बोल भोला भंडारी महादेव की। तो अस्तु, शिव का जो व्यक्तित्व है, शिवजी का जो चरित्र है, अपने आप में व्यापकत्व है, अद्भुत है। इसलिए राम ने कहा है, राम संपूर्ण शिव का दर्शन क्या है, ध्यान से सुनिए, आप सबको अच्छा लगेगा और इस चीज को जीवन में उतारिए। भले आप कृष्ण उपासक हैं, भले आप दुर्गा उपासक हैं, भले आप राम उपासक हैं, लेकिन जब तक शिव का शरणागति नहीं मिलेगा तब तक इनमें आपकी अनन्य भक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। शिव को बिना पूजे आप राम की आस्था और राम का आशीर्वाद ले नहीं सकते हैं। शिव ऐसे देवता हैं, इसलिए रावण विद्वान था। चिंतन करिए, रावण जैसा विद्वान कहाँ होगा, त्रिभुवन में नहीं होगा, कभी नहीं होगा, तीनों कालों में नहीं होगा रावण जैसा विद्वान। इसलिए मेरा दर्शन है, मुझे ऐसा लगता है, इसलिए रावण ने न राम के बारे में लिखा न ही दुर्गा के बारे में कहा, केवल शिव जी का उपासक, उतना बड़ा उपासक शिव जी का। इसका मतलब है कि वह जानता था, त्रिकालज्ञ था, परम विद्वान था, वो जानता था कि शिव जी समस्त देवताओं के चाबी हैं और समस्त देवताओं के पास पहुंचना संभव नहीं है। छोटी सी जीवन है, आयु बहुत कम है, और इस अल्प आयु में यदि हम एक एक देवी देवता के चौकट पे मस्तक टेकेंगे तो जीवन बीत जाएगा, एक भी पूरा नहीं होगा। सनातन धर्म में अनेक कोटि के देवी देवता हैं। इसलिए रावण इस रहस्य को जान करके, मेरा ऐसा लगता है, मुझे ऐसा मानना है, मुझे ऐसा अनुभव में आता है कि रावण ने सिर्फ और मात्र शंकर जी को वर्ण किया कि केवल शंकर जी को मना लो, शंकर जी को मना लो, मोक्ष निश्चित है, प्रमाण है, शंकर जी का पूजन किया, स्तवन किया, राम जी को आना पड़ा, ब्रह्म को आना पड़ा। जिस राम का नाम नहीं आता है मृत्यु के समय में, कल्पना करिए, विचार करिए, शिव का व्यक्तित्व देखिए, शिव का चरित्र देखिए, जिस राम का नाम नहीं आता है मुख पर मरने के समय, कहते हैं ना, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम आवत नाही। अंत समय में राम का नाम नहीं आता है, और रावण का सद्भाग्य देखिए, रावण का भाग्य देखिए, नैनों के सामने साक्षात राम खड़े हैं, नाम नहीं खड़ा है, राम खड़े हैं। किसका आशीर्वाद है, शिव का। शिव के आशीर्वाद का, शिव के पुण्य प्रताप का फल है कि साक्षात राम को, बताओ क्या प्रणम्य है रावण की इस भक्ति को, साक्षात राम को कितनी लीला करनी पड़ी, सीता का अपनी ही पत्नी का हरण करवाया, क्या क्या नहीं हुआ, भरत से शोक हुआ, अयोध्या से अलग हुए, वनवास हुआ, कितना कितना नाटक करना पड़ा, और इस नाटक के मूल में क्या रहा, रावण भी जानता था, जानामि मृत्यु मम राम हस्ते, मैं जानता हूं कि मेरी मृत्यु राम के हाथों से होगी, लेकिन उसके बाद भी शिव के आशीर्वाद का पुण्य प्रताप रहा, शिव के आशीर्वाद का पुण्य रहा कि रावण को राम जैसा दुश्मन मिला। दुश्मन भी हो ना तो खानदानी हो, दुश्मन भी हो तो खानदानी हो। रावण का जो शत्रु है ना कोई सामान्य नहीं है, और राम का जो दुश्मन है ना कोई सामान्य नहीं है। विचार करिए, दोनों एक ही राशि के हैं, राम रावण, कृष्ण कंस,
दोनों एक हैं। शिव के शिवार्चन का पुण्य प्रताप रहा कि रावण का सदगति राम के सामने नहीं हुआ, राम के हाथों में हुआ। राम सामने खड़े हैं, जिस राम का नाम नहीं आता है लोगों के जिह्वा पर मुख पर, वह राम साक्षात खड़े हों वहां कौन मरना नहीं चाहेगा साहब। वो मृत्यु भी महोत्सव हो जाएगी, वह मृत्यु भी धन्य हो जाएगा जहां राम खड़े हों और किसी को जाना हो, महाप्रयाण की यात्रा करनी हो, और उस महाप्रयाण की यात्रा में जब सामने राम खड़े हैं तो कौन नहीं जाना चाहेगा। इसलिए शिव की उपासना, शंकर की उपासना, देवार्चना, अर्चन, वंदन, पूजन, मेरा मानना है, व्यक्तिगत मेरा मानना है कि यदि हम शिव का अर्चन करते हैं तो समस्त देवताओं का अर्चन हो जाता है। क्यों? क्योंकि शंकर देव नहीं है, महादेव हैं, देवाधिदेव हैं। जो अमृत पीते हैं वे देव कहलाते हैं, जो विष पीते हैं वो महादेव कहलाते हैं। अमृत तो सब कोई पी लेगा लेकिन विष कोई नहीं पिएगा। लोक कल्याण के लिए भगवान शिव ने अपने कंठ में हलाहल नामक विष का पान कर लिया। सोचो जिस समय कंठ में उनका प्रवेश किया होगा वह विष कितना कष्ट हुआ होगा। भले सामर्थ्यवान हैं लेकिन हमारे और आपकी जो उनके प्रति करुणा है, उस करुणा का ध्यान रखते हुए भगवान शिव को कितना कष्ट हुआ होगा, कितना कष्ट हुआ होगा विचार करिए। और कंठ में ही आसीन करके नीलकंठ नाम से विभूषित हो गए। बोलिए नीलकंठ भगवान की जय। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने दर्शन कराया है शिव का चरित्र क्या है। एक पंक्ति में संपूर्ण शिव जी के बारे में मानस में गोस्वामी जी ने कहा है, तुम पुनि राम राम दिन राती, तुम पुन राम राम दिन राते, तुम पुन राम राम दिन राती, तुम पुन राम राम दिन राते, सादर जप हूँ अनंग आराती, सादर जप अनंग आराती, तुम पुन राम राम दिन राती, तुम पुन राम राम दिन राती, सादर जप हूँ अनंग आराती, सादर जप अनंग आराती, अनंग आराती, अनंग आराती। शिव जी का काम क्या है, शिव जी का कार्य क्या है, शिव जी करते क्या है कैलाश पर? संपूर्ण शिव का चरित्र, संपूर्ण शिव का शिवत्व, संपूर्ण शिव का व्यक्तित्व मानस में गोस्वामी जी ने एक पंक्ति में जवाब दे दिया। सुन लो शंकर जी का काम क्या है, क्या काम है? तुम पुनि राम, 24 घंटे राम राम सीताराम राम सीताराम करते रहते हैं। किसी दुनियादारी से शंकर जी को मतलब नहीं है साहब। सादर जप हूं अनंग आराती, सादर जपते हैं और केवल राम राम जपते हैं, उनको किसी अन्य से कोई वार्ता नहीं, कोई कार्य नहीं है, कोई सेवा, किसी दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। यह है शिव का व्यक्तित्व, यह है शिव का चरित्र। स्वयं भगवान ने कहा है, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा, शिव द्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपने हूँ मोहि न पावा,
शंकर विमुख भगति मोरी, सोनार की मूढ़ मति थोरी। मुझे प्राप्त करना चाहते हो तो पहले शंकर जी के मार्ग पर चलो। वैष्णवानाम यथासंभु, वैष्णव में सर्वप्रथम सर्वमान्य अग्रगण्य वैष्णव कौन है? शिवजी हैं, शिवजी हैं। वैष्णवानाम यथासंभु, वैष्णव में सर्वप्रथम शंकर जी का स्थान है, इसलिए शास्त्रों ने गाया। अच्छा, उनका क्या स्वरूप है? शंकर जी का स्वरूप क्या है? हस्ते क्षमाला हृदय राम तत्त्वम्, जिह्वाग्रभागे वर राम मंत्रम्, यन्मस्तके केशव पाद तीर्थम्, शिवम महाभागवतम् नमामि, शिवम महाभागवतम् नमामि। हाथों में रुद्राक्ष की माला है, हृदय में श्री कृष्ण विराजमान हैं, जिह्वा के अग्रभाग पे राम जी विराजमान हैं, जिह्वा से अहर्निश राम राम सीता राम राम सीता राम 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 निकलते रहता है। यन्मस्तके केशव पाद तीर्थम, उनके मस्तक पर गंगा विराज रही हैं, विष्णुपदी विराज रही हैं। शिवम महाभागवतम नमामि, ऐसे महाभागवत शिव जी को हम सब प्रणाम कर रहे हैं, बारम्बार प्रणाम कर रहे हैं, सहस्त्रवार प्रणाम कर रहे हैं, मुहुर मुहुर प्रणाम कर रहे हैं। हमारी आस्था, हमारी निष्ठा हमारे इष्ट के प्रति बलवती हो, श्रद्धान्वित हो, इस भाव से, इस अभिलाषा से हम बार बार श्री गिरिजापति को प्रणाम कर रहे हैं। महाभागवतम नमामि, इसलिए